ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। हादसे में राष्ट्रपति रईसी के साथ साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की भी जान चली गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री हादसे में मारे गए हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलू ने ईरान के सरकारी टीवी के हवाले से यह जानकारी दी है। वहीं ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने सरकारी टीवी को बताया कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट ने हेलीकॉप्टर से नियंत्रण खो दिया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पूर्वी अजरबैजान से लौट रहे थे। इस दौरान अजरबैजान के सीमावर्ती शहर जुल्फा के करीब यह दुर्घटना घटी, जो ईरान की राजधानी तेहरान से 600 किलोमीटर दूर है। जहां हेलीकॉप्टर हादसा हुआ वो पहाड़ी इलाका है। रईसी रविवार तड़के अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर लापता हो गया था। घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी हेलीकॉप्टर का पता नहीं चल सका। हेलीकॉप्टर की तलाश और बचाव कार्य में 40 से ज्यादा टीमों को लगाया गया था। राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए रात भर अभियान चला। बचाव दल अंधेरे में हेलीकॉप्टर को तलाश रहे थे। पहाड़ी इलाका और मौसम खराब होने की वजह से बचाव दल को अभियान चलाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और रेस्क्यू टीमें रात भर में मलबे का पता लगाने में नाकाम रही थी। सोमवार तड़के तुर्की के ड्रोन ने दुर्घटना वाले संभावित क्षेत्र में एक जलती हुई चीज का पता लगाया था, जिसके बारे में अनुमान लगाया गया था कि यह हेलीकॉप्टर का मलबा हो सकता है। काफी मशक्कत के बाद बचाव दल ने रईसी के हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढ लिया। ईरानी रेड क्रिसेंट के प्रमुख ने बताया कि बचाव टीमों से यह पता चला कि हेलीकॉप्टर का पूरा केबिन काफी क्षतिग्रस्त हो गया और जल गया। हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए थे। इसी से संकेत मिले कि हेलीकॉप्टर में सवार किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बच सकी। दुर्घटना स्थल की जो पहली तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भी हेलीकॉप्टर की स्थिति ठीक नहीं लग रही। ईरान के राष्ट्रपति की खबर से दुनिया भर में शोक की लहर डूब गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से गहरा दुख और झटका लगा है। रईसी का भारत ईरान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में दिया गया योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के लिए मेरी संवेदनाएं। इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रईसी के काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 तो सही सलामत पहुंच गए, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ईरान में एक वर्ग इसके पीछे साजिश की आशंका जता रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस छिड़ गई है। हालांकि अभी तक कहीं से भी साजिश की आशंका या इसका कोई सबूत नहीं मिला है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी कहा है कि वह घटना पर करीबी से नजर बनाए हुए है। टाइम्स नाउ, नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।